नमस्कार, मैं संदीप नोकवाला एचबीएन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा के अंदर 606 गांव बाढ़ से प्रभावित है। 33 शहरों में बाढ़ का खतरा है। 40,000 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। आई फ्लू लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच आज जो है हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी हरियाणा के 6 जिलों में बारिश होने वाली, जिसके कारण जिन जिलों में बारिश होने वाली है वो जिले पंचकुला, माड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र और केथल है। जहां पर आपको बता दें कि बारिश के कारण धान की फसल में काफ़ी फायदा इन लोगों को पहुंच सकता है। इसी बीच 40,000 से ज़्यादा लोग बीमार चल रहे हैं। आपको बता दें कि बारिश से धान की फसल को काफ़ी फायदा पहुँचने वाला है। इसी बीच आपको बता दें कि अच्छी बारिश से फसलों को जरूर फायदा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले खरीफ की फसलों की बुआई 88,000 एकड़ ज़्यादा हो चुकी है। पिछले साल 61 लाख एकड़ में बिजाई हुई थी, जो इस बार बढ़कर 62 लाख एकड़ पर पहुंच गई है। धान की बुआई का लक्ष्य इस बार 30 लाख एकड़ है, जो अधिक बारिश होने के कारण 30.47 लाख एकड़ तक पहुंच गया है। यहीं पर आपको बता दें कि बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। बीमारियों से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 से ज़्यादा लोग बुखार से पीड़ित है। 40,000 से ज़्यादा लोग आई फ्लू की बीमारी से चपेट में आ सकते हैं। खासकर जो हरिद्वार से अभी ताज़ा लौटे हैं, आई फ्लू की बीमारी उनको अटैक कर रही है। कहा जाए तो राज्य में मानसून का 66% कोटा अब तक की बारिश से पूरा हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही है, खासकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में। तो लोगों से सावधानी की अपील की गई कि लोग सावधानी बरतें, सावधानी के साथ आगे बढ़ें, ताकि बीमारियों के चपेट में आप ना आ पाए। आज की अभी की ताज़ा खबर यही है कि लगातार हिमाचल में हो रही बारिश से या बादल फटने से हरियाणा के अंदर भी जल स्तर थोड़ा सा बढ़ने की संभावना है, जिसमें घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जल स्तर बढ़ सकता है, हालांकि पिछले दिनों में काफ़ी जल स्तर कम हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।